अगर आप सेंटर में इफ यू आर इन पावर, फिर देश में क्या क्या बदलाव आएगा? डेफिनेटली कि अगर हम किसी एरिया में अच्छा कर पाए, ऑफकोर्स दिल्ली के लोगों के लिए अच्छा करेंगे, दिल्ली में भी करोड़ों लोग रहते हैं, तो अगर हम उनकी जिंदगी को बेहतर बना पाए वो भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने एक इंटरेस्टिंग चीज करी, देखिए आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिक्स में क्या पॉसिबल है उसको थोड़ा चेंज किया। वरना होता क्या था कि पहले एक पार्टी आए दूसरी पार्टी आए, लोगों को लगता था इसको वोट दे दो उसको वोट दे दो क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने भी कुछ नहीं करना उन्होंने भी कुछ नहीं करना, ये एक लोगों की पॉलिटिक्स के बारे में मेंटालिटी थी। जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल्स को देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को देखें, या मेनी ऑफ थिंग्स दैट वी हैव डन, दिल्ली में अब 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती है, बहुत सारे एरियाज में पानी पहली बार पहुंचा है। तो मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन कि आम आदमी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है या आम आदमी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आती। मुझे ये लगता है कि अगर हम पॉलिटिक्स के बेंचमार्क्स चेंज कर सकते हैं, अगर हम पॉलिटिक्स को इन रियल इश्यूज पे लेके आ सकते हैं, तो हम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए।